खेती कानून रद्द करवाउण दे लई लगातार संघर्ष किया जा रहा है अते संघर्ष नूं होर तेज करते हुए संयुक्त मोर्चे दे सद्दे उत्ते पूरे भारत विच चक्का जाम किया गया। इस दे चलते जिला फरीदकोट दे विच नैशनल हाईवे 54 ते किसान जथेबंदियां अते समाजिक जथेबंदियां दे वल्लों 12 तों 3 वजे तक चक्का जाम किया गया। इस मौके वख-वख किसान जथेबंदियां दे आगूआं वल्लों अपने अपने विचार लोगों नाल सांझे कीते गए अते केंद्र सरकार दे खिलाफ रज के भड़ास कीती गई। इस मौके संयुक्त मोर्चे वल्लों दिते गए प्रोग्राम दे तहत 3 वजे 1 मिंट लई गड्डियां ट्रैक्टरां दे हॉर्न वजा के प्रदर्शन किया गया अते नाल ही नारेबाजी कीती गई। इस मौके उपर पत्रकारां दे नाल गलबात करदिआं इस पूरे मामले बारे किसान आगूआं ने इस बारे होर की कहा, आओ सुनदे हां। चरणजीत सिंह प्रधान ब्लाक फरीदकोट बीके सिद्धूपुर। अज साडा संयुक्त मोर्चे की जो कॉल आई सानू दिल्ली तो कि असी 12 बजे तो लैके 3 बजे तक मुकम्मल जाम रखना है और है सारे पंजाब दे विच है। कारण यही है कि जो तिने खेती काले कानून है उन्होंने सरकार रद्द करे। 2.5 महीने के करीब हो गया किसान जथेबंदियों उत्थे बैठे हैं तो अजे तक इन्हों ये नहीं पता लग्या भी ये काला की है। कल नरेंद्र तोमर साहब बोल रहे थे कि सानू दसन जिहड़ी अपोजिशन है जां किसान जथेबंदियां सानू दसन कि इहदे च काला की है, जबकि शुरू दे विच मीटिंगां दे विच मन चुके है इहदे च 9 गलतियां है। तो फिर जे 9 गलतियां है तो काला इहनू नहीं दिसदा इहनां है कि बोला है। लगातार ही जो संघर्ष अपने किसानों कर रहे हैं काफ़ी हौसले पाए जा रहे हैं पर केंद्र सरकार लगातार ही कहीं रोड जाम कर रही है, कहीं किल्लां ला रही है। फिर तुहानू की लगता कि मनण दी राहत हैगी कि अज तक भी आधे रात कट। देखो ये इन्हां हरकतों तो ही पता लगता है कि किसान डरी हुई है, बखलाई हुई है। देखो अपना असी तो जाम करिए, ये खुद जाम किल ला के कर रहे हैं, कदे ये नेट बंद कर रहे हैं। इन्हां गल्लां तो लगता कि सरकार डरी हुई है। कोई गल नहीं, होर महीना 2 महीने 3 महीने बैठ के आखिर इन्हूं चुकना ही पैना। असी इस संबंध में कहना जिहड़ा सांझा किसान मोर्चे वालों अज्ज दा जिहड़ा धरना दिता गया सी उहदे संबंध में असी मोदी साहब नूं भी बेनती करते हैं कि तू हुण रद्द कर ले। एक चरम सीमा हुंदी आ हरेक दे, साडा हुण पंजाब दा मतलब वो सबर ना परखे। लोग बहुत अके फिरते आ, थके फिरते आ, ये कुछ ना कुछ मतलब एक चरम सीमा आपदी ते जा चुके आ। हुण समा आ गया जे कोई ना इस गल दा फैसला लिया तो अगे तो संघर्ष वालों भी जो भी सानू सांझे संघर्ष वालों कॉल आऊगी जां कोई सानू जो भी हुक्म छड़नगे असी उत्ते फुल चढ़ावांगे। ईवन कि सानू कोई भी कुरबानी देनी पैंदी असी उहदे ते उस ते फुल चढ़ावांगे। और मैं इस तुहाडे माध्यम चैनल दे माध्यम राहीं समुच्चे वर्गां नूं भी अपील करदा, जिन्ने साडे NRI वीर आ जां जिन्ने बुद्धिजीवी अर्थ शास्त्री आ जां जिन्ने मतलब उत्थे जा के समर्थन इस अपने दा मोर्चे दा कर रहे आ कि तुसीं पहलां जिहड़ा बहुत समर्थन साडा कीता, सानू सपोर्ट कीता, अज वी तुहाडी लोड़ आ। तुसीं इस मोर्चे दे विच आ के साडी बांह फड़ो ते सरकार नूं बेनती करदे आ कि तू आखे मतलब मोदी जी नूं बेनती करदे आ कि तुसीं आखे लग जाओ, अजे टाइम बहुत पिया। जे हिल गया सारा समान तां देश दा बहुत वड्डा नुकसान हो जाऊगा। हां तुसीं आम किसान नूं देखेगा कि जिहड़ा 26 जनवरी नूं जो कुछ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਉਸ ਦਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨੀਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਸੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਨਖਸਦ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਪੈਟਗੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਸਵਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
उन्होंने अपनी मंग दसदी है, उन्होंने पता है कि साड़ी रोटी का मसला है, इसलिए वो जुड़े बैठे ने उत्थे कहण वाले इस संघर्ष को तार पिटो करन दी कितनी मर्जी कोशिशां करन पर मैं लोगों का रोह वेख्या, जोश वेख्या, हिम्मत वेखी है, जाबता वेख्या, तो लोग दो महीने तो डटे हुए ने। तो अज भी मैं दो दिन के लिए अपने पिंड आई हुई हाँ, तो अज जी कॉल दी गई थी संयुक्त किसान मोर्चे वालों, लोगों के उही जोश है, लोग भीरा कत्त के इतने पहुँच रहे। इसका एक कारण यह कि लोग 26 जनवरी के लिए ही गए हुए थे, तो एको दम मैसेज गया कि शायद लोग वापस आ रहे हैं, पर मैं देखा दो दिन के लिए उत्थे थोड़ी जी चहल पहल घटी सी, पर फिर जिमें आप टकैत वाली घटना वापरी है, इस तो बाद हरियाणा ने बहुत वहीर घत लिया ने उधर आसे पासे दिया खाप पंचायतों ने, तो उत्थे जिहड़ा कट्ठ अगे नालों भी दुगना हुंदा जा रहा है। तो पहला असी फिजिकल तौर पर चौकस सीगे, पर हुण उत्थे लोग मानसिक तौर पर भी चौकस होण लगे आ, क्योंकि उन्होंने पता लग गया कि कोई भी साडा बन के ही सानू धोखा दे। सत श्री अकाल, प्लीज़ साडे चैनल सांझा पंजाब नू लाइक ते सबसक्राइब करो यूट्यूब पर।